आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि GSTIN के लिए आवेदन कैसे करें, मतलब GST के लिए आवेदन कैसे करें, GST नंबर। ये GST पंजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बार आवेदन को GST अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, एक अनूठी GSTIN डीलर को आवंटित किया जाता है। GST के लिए पंजीकृत करने के लिए दो तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, या फिर भारत सरकार द्वारा GST सेवा केंद्र के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अभी GST के आवेदन करने के लिए जो विवरण है वो हम आपको बता देते हैं। पहला चीज है कि वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, वैलिड इंडियन मोबाइल फोन नंबर चाहिए, वैलिड ईमेल एड्रेस, फिर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जिसमें आपके सारे प्रूफ्स होंगे, आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका आधार कार्ड, आपके बैंक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं। फिर एन ऑथराइज सिग्नेटरी हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया विथ ऑल वैलिड डिटेल्स, जो प्रूफ करेगा कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, फलना फलना जगह पे रहते हैं, जिसमें आपका पैन कार्ड भी होगा। फिर एटलीस्ट एक प्रोपराइटर होना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, ट्रस्टी हो सकते हैं, और मेंबर विथ कॉरस्पॉन्डिंग पैन। उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होना चाहिए, जिसे IFSC कोड कहते हैं, जो आपके बैंक से कनेक्टेड होगा, जो उसी ब्रांच का होगा जहाँ पे आपका खाता है। फिर वैलिड बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम इंडिया, और फिर ज्यूरिडिक्शन डिटेल्स। तो सारी की सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए आपको GST नंबर लेने के। अभी एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि GSTIN प्राप्त करने की लागत क्या होती है। GSTIN प्राप्त करना और GST के पंजीकरण करना एक्चुअली में मुफ्त होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।